उन्नाव में आस्था के साथ खिलवाड़, ऑनलाइन मूर्ति मंगाकर किया खेल, अफवाह फैलाकर कमाए 35,000। उन्नाव का कुछ साल पहले हुआ सोने का खजाना कांड तो आपको याद ही होगा, जिसके लिए हफ्तों तक खुदाई हुई लेकिन निकला एक तोला भी नहीं। अब उसी तर्ज पर एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बाप बेटे ने ऑनलाइन देवी देवताओं की मूर्तियां मंगाकर उसे चुपके से खेत में दबा दिया। उसके कुछ देर बाद ही दोनों ने खेत की खुदाई शुरू कर दी। दोनों ने खेत में दबी मूर्तियों को निकाला और लोगों के बीच जाकर अफवाह फैला दी कि मूर्तियां 500 साल पुरानी हैं। जिसके बाद मूर्तियों के दर्शन और चढ़ावे के लिए मेला सा लग गया। देखते ही देखते दूर दराज से लोग आने लगे और चढ़ावा चढ़ाया जाने लगा। 159 रुपए की ऑनलाइन मंगाई गई मूर्ति से बाप बेटों ने दो दिन के अंदर 35,000 से ज्यादा रुपए कमाए। पूरा मामला उन्नाव के गांव महदूमपुर का है, जहां अशोक कुमार ने मंगलवार को अपने खेत की खुदाई शुरू की। इस दौरान उसने खेत से मूर्तियां निकलने का दावा किया। इस दावे को सुनकर ग्रामीण और सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने वहां पहुंचकर पूजा अर्चना की और चढ़ावा चढ़ाया। खेत में मिली पीली धातु की हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकलने की खबर सुनते ही SDM और असीवन थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए। मामले की सूचना पुरातत्व विभाग को भी दे दी गई और मूर्तियों को अशोक के घर पर ही रखवा दिया गया। मौके से अधिकारियों के जाते ही दूसरे दिन अशोक के बेटे रवि गौतम, विजय गौतम उन मूर्तियों को लेकर खेत में खोदे गए गड्ढे के पास लाल रंग का कपड़ा रख कर बैठ गए। इस बीच पिता और दोनों बेटों ने झोले में प्रसाद वितरण भी शुरू कर दिया। लोग वहां चढ़ावा चढ़ाने लगे और प्रसाद वितरित किया जाने लगा। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ को देखकर वो भी शांत हो गई। इस बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 पुलिसकर्मी भी वहां तैनात कर दिए गए। लोग पुलिस के सामने ही मूर्तियों को चढ़ावा चढ़ाते रहे। इस बीच अशोक कुमार और उसके दोनों बेटों का ये खेल जारी रहा, लेकिन इसी बीच डिलीवरी मैन गोरेलाल ने सोशल मीडिया पर फोटो देखकर मूर्ति और बाप बेटे को पहचान लिया, जहां से वो सीधे पुलिस थाने पहुंचा और उसने पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। उसने बताया कि रवि गौतम ने ये मूर्तियों का सेट मीशो कंपनी से 159 रुपए में मंगवाया था। इस सेट को 29 अगस्त को ही उसने डिलीवर किया था। हर एक बार तुम्हारा नजर आई। क्या नाम है आपका? रवि गौतम। मूर्ति आप देने आए थे? मूर्ति आपने देने आए थे? हाँ जी। डिलीवरी से जुड़ी हुई रसीद भी उसने साझा की है। इसके साथ ही पुलिस ने पिता पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महज 2 दिनों में ही बाप बेटे ने करीब 35,000 रुपए की कमाई की। मूलपुर गांव के निवासी अशोक और उनके 2 लड़के पिछले 2 दिनों से गांव के लोगों को ये बहला फुसला रहे थे कि उनके खेत में कोई सपना आया है, जिसके माध्यम से उन्होंने खेत में खुदाई की और खुदाई में मूर्तियां निकली हुई हैं और वहां पे अपनी मंदिर स्थापित करना चाह रहे थे। तो उनको पहली बार उनको समझाया गया, बाद में जब इस मैटर की जाँच की गई तो पाया गया कि ये मूर्तियाँ उन्होंने अमेजन से मंगाई हुई थी, इसके प्रमाण भी मिले हैं। और गांव के लोगों को सही बात बताई गई और ये जो लोगों को बहला फुसला रहे थे, बरगला रहे थे, उनके आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।